घटना एक काल्पनिक घटना, एक छाया चित्र आपके सामने चल पड़ता है और उसको देखते देखते आप पूरा संसार भूल जाते हैं, अपना सुख दुख भूल जाते हैं और इतना एक रूप हो जाते हैं उस कहानी के साथ, उस पात्र के साथ, तो मन तो आपका खो गया है, मन तो लग गया है आपका। तो गलत धारणा है कि मन नहीं लगता। हाँ, मन नहीं लगता कहां पर? वहां पर मन नहीं लगता जहां पर मन के विपरीत कोई बात आप करना चाहते हो, वहां पर मन नहीं लगेगा। और मन के विपरीत क्या है? मन को हमने शुरुआत से ही, अपने मन को हमने शुरुआत से ही जो शिक्षा दीक्षा इसको देनी चाहिए, जिसके द्वारा ये मन शरणागति पकड़े, वो शिक्षा दीक्षा इस मन को दी नहीं। पाठ के लिए शिक्षा नहीं दी, सिमरन के लिए शिक्षा नहीं दी, कोई तत्व ज्ञान पढ़ने के लिए शिक्षा दी नहीं, कोई अच्छी बात सुनने सुनाने के लिए सुनाने की कोई शिक्षा नहीं दी। हमने जिन बातों में इसको ट्रेनिंग दी है वहां पर ये मन लगता है। चिंतन परमात्मा के चिंतन में हम नहीं लग पाते। और बेटा कहीं हैदराबाद में पुणे में कहीं सर्विस कर रहा है और उसके यार दोस्तों ने फोन पर मां को बता दिया कि कुछ दो चार दिन से इसको बुखार चल रहा है, तो जब तक वो बेटा दिखाई नहीं देता, वो बेटी दिखाई नहीं देती, तो ये मां का चिंतन, सतत चिंतन, और उस चिंतन में उसका खान पान भी बिगड़ जाता है। ढंग से वो खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, सो तक नहीं सकती ढंग से, तो वहां चिंतन कैसे हो रहा है? यहां क्यों नहीं हो रहा है? यहां चित्त को परमात्मा के प्रति यानी धार्मिक कृत्य के प्रति चिंतन करने का अभ्यास नहीं करवाया है, इसलिए इसका चित्त भी नहीं लगता। कुछ लोग घंटों सिमरन के लिए बैठते हैं, घंटों, और कुछ लोग एक माला का सिमरन भी एक आसन पर बैठ करके नहीं कर सकते। एक माला यानी ज्यादा ज्यादा 5 मिनट, महात्मा लोगों का समय थोड़ा ज्यादा लगता है, 5 मिनट, वो 5 मिनट भी ढंग से बैठ करके हम सिमरन नहीं कर पाते। और घंटों परमात्मा को छोड़ करके बाकी बातों में घंटों हम एक आसन पर बैठे रहते, हिलते भी नहीं है। कुछ लोग तो नजरें गड़ाए रखते हैं, पलक भी नहीं झपकते, इतने ध्यान से सुनते हैं एक दूसरे की बातें। तो पूजा करते समय, पाठ करते समय, सिमरन करते समय तुम्हारा शरीर तुम्हारी बात नहीं मानता। और इन धार्मिक कृत्यों को छोड़ करके, धार्मिक बातों को छोड़ करके और सब जगह पर आपका शरीर आपकी आज्ञा का पालन करता है, क्यों? सोचने की बात है, क्योंकि और जगह पर अपने अपने शरीर को समझाया है, उसको तैयार किया है सिमरन के लिए, पूजा पाठ के लिए, अपने शरीर को तैयार नहीं किया। जब तैयार नहीं किया तो शरणागति तो आएगी नहीं। और मन से बुद्धि से और आत्मा से ही तो शरण आती है। बहुत ज्यादा हो गया तो 3 ही तो बातें आपके पास हैं। शरीर है, मन है और आत्मा हृदय है। इन तीनों के द्वारा ही तो शरणागति आ सकती है। और इन तीनों को भी हमने दूसरी तरफ शरणागति के लिए
सिखा दिया है, दूसरी तरफ हमने उसको शिक्षा दीक्षा दे रखी है, तो जहां पर हमने उसको शिक्षा दीक्षा दी है वहीं पर इसके शरीर भी एक आपकी आज्ञा का पालन करता है, मन भी आपकी आज्ञा का पालन करता है, आपका आत्मा यानी हृदय भी वहीं पर चला जाता है। नहीं जाता तो केवल शरणागति नहीं आती, तो केवल धार्मिक वृत्तियों में, परमात्मा की बातों में। तो ये मन को दोष जो हम सदियों से दे रहे हैं, मन को दोष देने से पहले आप अपने आप पर उसको विचार कर लो कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। बाकी जगहों पर हमारा मन लगता है, केवल भक्ति मार्ग में मन क्यों नहीं लगता, ये इसको सोचो और इसके ऊपर अभ्यास कर लो। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, करते करते आज नहीं कल। जैसे दुनियावी बातों में मन एकाग्र होता है, ऐसे परमात्मा की बातों में भी मन एकाग्र हो जाएगा। केवल आपको समझ करके उसको एक अलग से एक दिशा देने की जरूरत है। मैं बार बार एक बात जरूर कहता रहता हूं कि बच्चा बिगड़ने तक माँ बाप यदि ध्यान नहीं देते तो उसकी आदतें बुरी पक जाती हैं। जब बुरी आदतें पक गई तो उसको संभालना संवारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हरा भरा पेड़ है, टहनी को जिधर मर्जी उसको सेब दे सकते हैं आप, लेकिन वो टहनी यदि सूख जाए तो उसको आकृति देने जब जाओगे तो आकृति नहीं बैठेगी, हो सकता है वो टूट जाए। तो बिगाड़ा है इस मन को हमने ही, और उसको अब समझाना पड़ेगा और समझ करके धीरे 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 शरीर को भी समझाना पड़ेगा, मन को भी समझाना पड़ेगा, हृदय को भी समझाना पड़ेगा, और इनको समझ करके डरने की बात नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया, वो कल की बात है, आज नए जोश से शुरुआत हम कर सकते हैं। और हमें हमने बहुत लंबा सफर तय करना है तो आज भी यदि शुरुआत की तो कोई बिगड़ने वाली बात नहीं है। भगवान ने भी यही कहा है, बहुनी में व्यतीता नहीं जन्मानी तबाचार, तेरी समझ बहुत दूर तक मैं तुझे समझाते हुए आया हूं, बहुनी में व्यतीता नहीं, तेरे मेरे आने को जन्म हो चुके हैं। तो अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परांगति, अनेक जन्मों से मैं तुझे समझाते हुए आ रहा हूं, तो कोई बात नहीं, अनेक जन्म तो गए ना, तो अब नए से शुरू कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर है, हमारा मन लगता है या नहीं लगता। मन को दोष दे करके हम अपनी मुक्त नहीं हो पाते, मुक्त नहीं हो सकते हम अपने कर्म से। तो इसलिए कहा कि ये जब शरीर को अभ्यास दो, मन को अभ्यास दो, हृदय को चिंतन के लिए अभ्यास करो, तो करते करते मैं वो मन आदस्व जो भगवान मांग कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं आपसे कि शरणागति के लिए, भक्ति योग के लिए शरीर भी चाहिए, मन भी चाहिए और हृदय भी चाहिए। तो पहला अभ्यास शरीर पर करे और दूसरा अभ्यास मन के ऊपर करे। तो मैं वो मन आदर्श आधारित कर दे मन को मेरे ऊपर, आरोपित कर दे मन को मेरे ऊपर। हम आधारित है संसार के प्रति, आधारित है आदर्श अधीन। आदर्श शब्द का अर्थ अधीन होता है, आधारित होता है। हम अधीन है, आधारित है परमात्मा पर नहीं, संसार पर हम आधारित है। कोई धन पर आधारित है, कोई पुत्र पर आधारित है, कोई पति पर आधारित है, पति पत्नी पर आधारित है, संसार के उपभोगों पर आधारित है हम, रिश्ते नातों पर आधारित है हम। तो भगवान यहां पर ये कह रहे हैं मई मन आधस्व, मेरे आधार पर रहो ना। जब तुम मेरे अधीन रहोगे तो तुम्हारे रिश्तेदारों का, तुम्हारे परिवार का ध्यान तो मैं रखूंगा। मुझे ये बताओ
अर्जुन के यानी पांडवों के संपूर्ण परिवार का जो ध्यान रखा वो किसने रखा? जब अभिमन्यु का पुत्र अपनी माता के यानी उत्तरा के गर्भ में है और द्रोणाचार्य पुत्र, याद आएगा नाम, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उस वंश को नष्ट करने के लिए, पांडवों का कुल नष्ट करने के लिए, पांडवों का वंश नष्ट करने के लिए द्रोणाचार्य पुत्र, आप बता सकते हैं क्या नाम है उसका? अश्वत्थामा, नाम दिमाग में नहीं आ रहा था, अश्वत्थामा, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा पांडवों का वंश ही समाप्त होना है, यह खबर ना तो अर्जुन को थी, ना तो कुंती माता को थी, ना परिवार के किसी और सदस्य को थी।